खबर पलामू जिले के पाटन प्रखंड अंतर्गत कसवा खार पंचायत के लरबंधवा ग्राम से है, जहां अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पंचायत स्तरीय समिति का विस्तार किया गया, जिसकी अध्यक्षता पाटन प्रखंड अध्यक्ष निर्जल सिंह चेरो ने किया। जिला संयोजक त्रिपुराई सिंह चेरो, सह संयोजक प्रताप तिर्की, सदस्य अजय सिंह चेरो, राम खिलावन सिंह चेरो, अरुण सिंह चेरो, परमेंद्र सिंह चेरो की उपस्थिति में सर्वसम्मति से लोहिंगा पंचायत एवं कसवा खार पंचायत का कमेटी विस्तार करते हुए मोहन सिंह चेरो को अध्यक्ष, सुजन सिंह चेरो को सचिव व विनीता देवी को कोषाध्यक्ष, तो वहीं लेमो सिंह चेरो को संयोजक व सीनियर सिंह चेरो को सह संयोजक पद की जिम्मेवारी देते हुए ग्राम कमेटी गठन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में मंच का संचालन पाटन उपाध्यक्ष भोलानाथ उराव के द्वारा किया गया। वहीं पाटन प्रखंड लेंगा पंचायत के अंगरा ग्राम में पंचायत स्तरीय समिति का विस्तार भी किया गया, जिसमें अध्यक्ष सुरेंद्र उराव, सचिव दिनेश उराव, कोषाध्यक्ष रविंद्र उराव व संयोजक बलराम उराव को बनाया गया, जिसका मंच संचालन अरुण सिंह चेरो ने किया। बैठक में पाटन अध्यक्ष निर्जल सिंह चेरो, सचिव शंखनाथ उराव, कोषाध्यक्ष देवदत्त उराव, सोमर सिंह चेरो मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्टिंग। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ पाटन प्रखंड अंतर्गत ये कसवा टाल पंचायत के लरबंधवा ग्राम में, जहाँ पर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की पंचायत कमेटी, कसवा पंचायत कमेटी का गठन होना निश्चित हुआ था। और आज जो यहाँ पंचायत कमेटी का गठन हुआ है, मैं उनके अध्यक्ष से, सचिव से और उप सचिव से बात करने का प्रयास करूँगा कि आज के इस बैठक से या फिर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के द्वारा आपको क्या संदेश दिया गया, और ये आगामी 14 एवं 15 अप्रैल को होने वाले जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का सम्मेलन है, उसमें आप सभी की क्या भूमिका रहेगी, आइए। चूँकि ये मुखिया पति भी हैं हरेंद्र कुमार जी, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या लगा अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, क्या उद्देश्य है और कितना सक्सेस होगा अपने उद्देश्यों में? सभी को जोहार, पूरा सक्सेस होगा। हम लोग का प्रयास रहेगा कि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के जो मेदिनी नगर में कार्यक्रम है 14 या 15 अप्रैल को, हम लोग भारी संख्या में पहुंचेंगे और अपने समाज को अलख जगाने के काम करेंगे, ताकि हमारा समाज बहुत पीछे है अभी तक। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत समस्या है, और आप लोग को देखने के लिए मिला सुदूरवर्ती इलाका है। सबसे पहले मैं आप लोग का आभार प्रकट करता हूँ कि जो सुदूरवर्ती इलाका में आप लोग समाज को अलख जगा रहे हैं और घर घर जाके अपने समाज के बारे में बोल रहे हैं और सिखा रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम लगाता हूँ। झारखंडी जोहार। चलिए जोहार, बहुत अच्छा इन्होंने बात कहा कि जो यहाँ सुदूरवर्ती इलाका है, ये पूरा जंगल इलाका है, और यहाँ पर हम लोग जब यहाँ उपस्थित हो रहे थे तो जो रोड की स्थिति वाकई दर्दनाक थी। यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं कि ऐसी रोड की स्थिति है, जर्जर स्थिति है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हो या सांसद, कोई इनको खबर तक नहीं ले रहा था। इसीलिए इस अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले इनके आवाज़ों को हम लोग बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो आगामी 14-15 अप्रैल जो महासम्मेलन है, उसमें इनकी जो शिरकत होगी, इनकी जो भागीदारी होगी, वो महत्वपूर्ण होगी। आज इस बैठक में पंचायत स्तरीय जो कसवा खाड़ पंचायत के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या लगता है अखिल भारतीय आदिवासी महासभा आप लोगों के लिए कोई उम्मीद है? बहुत भारी हम लोग का उम्मीद है। एक हम लोग का एक जागने का एक उम्मीद आया, और हम लोग भारी से भारी मतों में 14 या 15 को हम लोग उपस्थित होंगे, पूरा आदिवासी जनता को लेते हुए। यहाँ का जो स्थिति परिस्थिति है रोड, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का स्थिति तो बहुत दयनीय है। यहाँ कोई सांसद हो या विधायक हो, जिस समय इलेक्शन होता है उस समय वोट लेने आते हैं, लेकिन यहाँ फिर मुड़ के नहीं देखते हैं कि हाँ वहाँ के जनता किस रास्ते से चल रहे हैं, क्या वहाँ दिक्कत है। किसी तरह की उन लोग का प्रवाह नहीं है। फिर जब समय आएगा तो फिर वोट लेने आएंगे। अपना अधिकार समझ के, वोट समझ के आदमी वोट देता है, लेकिन यहाँ की गिरफ्तारी के चलते कोई उन लोग जगह फिर दोबारा जाता नहीं है, उन लोग मुड़ के देखता नहीं है। चले, तो इन लोगों को सबक सिखाएंगे आप लोग? हाँ, बहुत आप सभी का सहयोग रहेगा, हम लोग एकजुट रहेंगे तो सबक सिखाएंगे। चलिए, और महिला की भागीदारी किसी भी संगठन में महत्वपूर्ण होती है। हमारे बीच एक महिला हैं जिनको उपाध्यक्ष की इस पंचायत के लिए चुना गया है, उपाध्यक्ष पद हेतु। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूँगा, क्या लगता है आज के इस बैठक से क्या उम्मीद जग रहा है?
आज की इस बैठक से हम लोग को उम्मीद जग रहा है कि आदिवासी जनता हम लोग एकजुट हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, हम लोग के आगे बढ़ने का भागीदारी मिल रहा है, समझदारी मिल रहा है, और हम लोग सभी एक मत हो के चाहते हैं कि आगे बढ़ेंगे और जनता सेवा करेंगे। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं महिलाओं में भी ये उम्मीद है कि महिलाओं को भी जिस प्रकार से चाहे वो चुनावी प्रतिक्रिया हो, चुनाव प्रक्रिया हो, उसमें जिस तरीके की हिस्सेदारी मिलती है, इनको इस संगठन में भी जगह मिली है, तो ये काफ़ी खुश भी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सविता देवी है, चेरो जाती हैं ग्राम लरबंधवा के। कैसा लग रहा है आज सबके बीच आप लोग कुछ न कुछ सदस्य बने हैं, क्या महसूस कर रहे हैं अभी? महसूस कर रहे हैं कि सदस्य बने, हम लोग एक हैं, कुछ एकता में दम है, हम लोग एकता रहेंगे। तो मेरे बात के कोई नहीं सुन रहा था, अब सुनेंगे, हम दम अपना दिखाएंगे। चलिए, महिलाओं की शक्ति जो है वो जागृत हो रही है और ये अपना पावर, अपनी शक्ति का इस्तेमाल अवश्य करेंगे। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा भी इनके साथ हमेशा तत्परता के साथ खड़ा है। और एक चीज़ें, जब यहाँ बैठक हो रही थी तो एक शख्स हमारे पास उपस्थित हुए, कुछ वन पट्टा की समस्या को लेकर उपस्थित हुए, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा। क्या आप बता रहे थे, समस्या क्या है आप कैमरे पे बता सकते हैं, क्या दिक्कत थी? सर, वन पट्टा हम लोग के 9-10 में मिला है, जो वन पट्टा मिला है पर पट्टा प्लॉट गलत है, जिस प्लॉट में हम लोग को जोताई कोड़ाई था उस प्लॉट नहीं मिला है, जहाँ 25 डिसमिल मात्र जमीन है उस प्लॉट में 10 आदमी का पट्टा मिला है। तो और उसके एप्लीकेशन दिए, इसके एप्लीकेशन वन विभाग उपायुक्त और कल्याण विभाग को दिया, पंचवे महीना में 2022 में दिए थे, पर अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अच्छा, कोई निष्कर्ष नहीं निकला? नहीं निकला। मतलब जहाँ पे आप जोतकोड़ कर रहे हैं, जो मिलना चाहिए भूमि, वो ना मिल के कहीं और मिल गया? नहीं, कहीं नहीं मिला, उसमें भी जहाँ जोतकोड़ कर रहे थे वहाँ नर्सरी लग गया। अच्छा, हम लोग को से छीन लिया गया जमीन, वन पट्टा केवल नाम मात्र दिया गया पट्टा, मतलब आप लोग पेपर है पर जमीन नहीं है। मतलब आप लोग उपजाऊ के लायक बनाए, इसके बाद हाँ, इसको फॉरेस्ट वाले ले, हम लोग जंगल झाड़ी साफ कर कर उपजाऊ लायक बनाए, पर फिर वन विभाग ने अपना जमीन ले लिया कहकर। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं अगर वन अधिकार अधिनियम के तहत अगर वो जमीन इनको मिली थी तो ये जमीन उनकी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि उसको खेती के लायक बनाया, उसको साफ सफाई किया और इसके बाद वो जमीन उनसे इनसे छीन ली गई। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ, अधिकारी जो है इन आदिवासियों के साथ, ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके साथ अन्याय कर रही है। अगर आपको जमीन लेनी ही थी तो फिर देना क्यों था, आपने क्यों दिया था? पहले मिला है उसका कागजात भी आपके पास है? जी, हम लोग सभी मतलब 8-10 आदमी हैं, सभी का कागजात है, वन पट्टा उसका है, उस जमीन हाँ ओरिजिनल पेपर है, और उस पर अभी फॉरेस्ट वालों ने नर्सरी लगा दिया, नर्सरी लगा दिया, अपना कब्जा कर लिया देकर। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो इनकी मांगे हैं, जो ये हकीकत बोल रहे हैं कि जिस ज़मीन को मुझे मिलना चाहिए था, जिस पर हम लोग जोतकोड़ कर रहे थे, वो ज़मीन ना दे करके कोई और ज़मीन इनको इनके नाम से कर दी गई है, और इनके पास जिसका कागजात है, जिस प्लॉट का कागजात है, जो हम उसको नहीं किया गया उसका भी इसका। चलिए ठीक है, मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़िले के अधिकारियों से और वन जो अधिकारी हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि इनके एप्लीकेशन को, चूँकि ये बोल रहे हैं कि ज़िले के अधिकारी तक हमने ये आवाज़ पहुंचाई है, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई सुझाव या फिर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, नहीं लिया गया। चलिए, चैनल के माध्यम से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इनके एप्लीकेशन को जल्द से जल्द देखें, समझें, और इनके जो इनका जल जंगल जमीन जिन पर इनका अधिकार है उनको इनका हक दिलाई जाए। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ, द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए। अरे सोहन, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मजदूरी करने जा रहा हूँ, कोई ढंग का काम है नहीं जो कर सकूँ, जिसे थोड़ी मैं भी तरक्की करके पैरों पर खड़ा हो सकूँ। अरे सोहन भाई, मजदूरी करने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो आज ही पलामू एक्साइड ई रिक्शा पर जाकर अपने लिए एक बढ़िया सा ई रिक्शा ले आओ और एक अच्छा काम स्टार्ट करके अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। इनके ई रिक्शा में आपको मिलता है लोड गियर फैसिलिटीज, 1500 वॉट का पावरफुल मोटर, 1 टन की लोड कैपेसिटी के साथ ही एक अच्छा बम्पर धमाकेदार ऑफर भी चल रहा है। प्रत्येक ई रिक्शा लोडर एवं सवारी गाड़ी पर 5000 रुपए की छूट एवं पानी बोतल और एक स्टाइलिश की रिंग गिफ्ट में दी जा रही है। अरे वाह, मैं आज ही मजदूरी छोड़कर अपना ई रिक्शा लाता हूँ, इनका नंबर तो देना मुझे 9065717228 या 9430466268 पे कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।